बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वड़ा पाव की रेसिपी शेयर करेंगे। पहले मैं बन बनाऊंगी उसके। 1 किलो मैदा, 4 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून चीनी, 2 अंडे और ये 1 ईस्ट का शाशे है। 1 किलो में 1 डलता है ये, और ये 1.5 कप दूध है। हम इसमें पहले चीनी डालेंगे, चीनी डालकर मिक्स करेंगे। दूध हमने नीम गरम लिया है, इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स होने वाली है अभी, और फिर ये ईस्ट डालकर रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से राइस हो जाएगा। जब ये फूल जाएगा फिर इससे आटा गूंथ लेंगे। आटे में हम पहले नमक डालेंगे, ये 2 अंडे और पूरा घी। पहले हम इसको अच्छी तरीके से डाल के मिक्स करेंगे। दो से तीन घंटे के लिए रख देंगे, ये राइस हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम बन को बेक करेंगे। ये देखिए, ये फूलना शुरू हो चुका है, यानी कि ये ईस्ट बहुत अच्छा है। अब ये सारा इसी में डालकर आटा गूंथ लेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मक्खन लिया है, ये भी इसी में डालेंगे। बहुत अच्छे तरीके से गूंथ कर रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। ये भी बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगा, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आटा हमारा गूंथ चुका है, इस पर हल्का सा पानी लगाऊंगी, तेल लगा दे या पानी लगा दे, इसको ढक के रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अभी देखिए, मैंने सारा इसको हवा निकाल दी इसमें से जो भरी हुई थी। अब इसको डालूंगी काउंटर पे। हमने इसमें घी लगा लिया, थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया है, इसको मैं अभी ओवन में बेक कर लूंगी। सब छोटे छोटे इसके पेड़े बनाऊंगी। ये हमने पेड़े बना दिए, इस तरह से करके लगा दूंगी। इसको थोड़ा सा बाद में अंडा लगा देंगे। अब इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाए। ये देखिए, हमने बना कर रख दिए हैं और कुछ ये बनाए हैं। अब मैं इस पर अंडा लगाऊंगी, जो मैंने फ्लेट कर रखा हुआ है। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा लें, मेरा ब्रश ख़राब हो गया इसलिए मैं टिश्यू पेपर से लगा रही हूँ। अभी इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और रखेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। ओवन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये बन हमारे राइस हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब इसे मैं ओवन में रखूंगी, 10-12 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। आज हमारे साथ ये हुआ, जैसे ही हमने ओवन में ट्रे रखने के लिए ओवन को खोला और हमारी लाइट चली गई, तब हमने क्या किया, हमने एक बड़ा पतीला लिया, उसको किया है प्रीहीट। ये देखिए, इतनी स्लो हीट पर है ये, और हमने फिर इसको अपने बन जो थे ये हमने बेक करने के लिए रख दिए। माशाल्लाह देखिए, कितने अच्छे फूले हैं।
और कितने अच्छे बेक हुए। बस थोड़ा सा और कलर आ जाएगा फिर मैंने निकाल लूँगी। मैंने नीचे नमक डाला, फिर एक स्टैंड रखा, उसके अंदर मैंने अपना ये बन का जो मेरा मोल्ड था वो मैंने रख दिया है। थोड़ा सा कलर और आ जाएगा, मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। आपके साथ भी ऐसा हो तो फ़ौरन से ऐसे कर लीजिए। देखिए बन हमारे बिल्कुल बेक हो चुके हैं और मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ। अब इन पर हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगाऊँगी या घी लगा दें आप, और थोड़ी देर के लिए इन्हें रख देंगे ठंडा होने के लिए ढककर, ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज हमने सोचा था ओवन में बना लेंगे, मगर आज हमारी लाइट ने परेशान किया, तो आज फिर हमने पतीले में ही बेक किया इसको। कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। थोड़ा बड़ा पतीला होना चाहिए ताकि आपका जो मोल्ड है वो सही से आ सके उसमें। अभी ठंडे हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये वड़ा पाव की चटनी है, 8-10 हरी मिर्चें और आधी गड्डी हरे धनिया की, थोड़ा सा लहसुन है, ज़ीरा है सफ़ेद वाला और नमक है। नमक हंसा जाएगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 1 पाव बेसन लिया है, नमक 1/2 टीस्पून, पिसी मिर्च भी 1/2 टीस्पून, क्योंकि मसाले में अंदर भी जाएगी। बस इसमें 2 चीज़ें डालेंगे, पानी से घोलेंगे। ये हमने बैटर बना लिया है, देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं, इसको हम छोटा छोटा चूरा कर लेंगे इसे। ये हमने आलू को मैश कर लिया अच्छी तरह से। ये 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर है, 2 हरी मिर्चें हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है कुटी हुई, 1 टेबल स्पून भुना और कुटा ज़ीरा, हरा धनिया। हमने ज़ीरा और धनिया साथ ही भूनकर और वो मोटा मोटा कूट लिया था, और ये 2 छोटी छोटी प्याज। ये हमने पैन रख दिया, इसमें ऑयल गरम करने के लिए। ये हमने बॉल बना लिए, इसको हम इसमें डिप करेंगे। इसको डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे जो हमने आलू के वड़ा बनाए हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए जो हमने वड़ा वो पाव बनाए थे यानी कि बन, ये कितने अच्छे और ज़बरदस्त बने हैं, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने भगोने के अंदर बनाए हैं क्योंकि आज लाइट ने पूरा दिन बहुत परेशान किया है। कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इसको फिलिंग करती हूँ इसकी। देखिए मैंने इसे काट लिया, ऊपर थोड़ी सी केचप लगाएंगे हम इस पर। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लोग। और ये ग्रीन वाली चटनी जो मैंने भी आपको दिखाई थी, और एक ये रखेंगे इसको, इसको थोड़ा दबा के रखते हैं ऐसे। खीरा, टमाटर और ये प्याज, और ये मज़ेदार से हमारे वड़ा पाव तैयार है। एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर से थोड़ी सी दही भी डाल दी है। ये देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।